गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन राणा, पी जी टी मैथमेटिक्स, एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलायत। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने 11th क्लास में, जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आपको ध्यान होगा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। इसमें आपने पढ़ा था कि कैसे हम एक लिंक बनाते हैं, मतलब प्रोडक्ट करते हैं ए सेट का बी सेट के साथ, ए क्रॉस बी। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए एक सेट हमने लिया था 1 2 3 और दूसरा सेट हमने लिया था सेट बी, वो लिया था 4 5 6। तो हमने ए क्रॉस बी निकालना था, वो क्या आया था 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5 और 2.6। ये हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था। अब देखिए इसमें, इसके बाद ये 3 का भी होगा रिलेशन इसमें, तो जैसे 3 का लिंक है 4 से, तो 3.4 हुआ, फिर 3.5 हुआ और फिर 3.6। तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था ए क्रॉस बी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और एक वर्कशीट भी मैंने दी थी, आई होप आपने अच्छे तरीके से कर ली होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, वो फिर मैं उसको देख के वो क्वेश्चन करवा दूंगा, या कोई टॉपिक अगर प्रॉब्लम हो आपका वो आप बता सकते हैं। तो हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की है कि जैसे 1.4 के साथ लिंक है एक, 1.5 के साथ, 1.6 के साथ। ठीक है, तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज रिलेशन। अब आपके माइंड में अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज रिलेशन, तो आप क्या बोलोगे, रिलेशन क्या होता है? अगर हम हिंदी की बात करें तो संबंध, मतलब एक लिंक होता है किसी एक का किसी दूसरे के साथ। तो एटलीस्ट दो तो हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए अगर हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा 1.4, तो इसका मतलब 1 का रिलेशन है किसके साथ, 4 के साथ। 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 का किसके साथ है 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ। कुछ ना कुछ इनका आपस में लिंक है, इसी को हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सबका एक दूसरे से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, फिर 2 का है 4 5 6 से, 3 का है 4 5 6 से। ठीक, तो ये जो हमने ये जो लिख रखे हैं, हमने 9 जो बने हैं इस सेट के, क्योंकि एक रोज भी क्या बना है, एक सेट ही बना, और इस सेट के ये एलिमेंट्स हैं जो 9 हैं एलिमेंट्स हैं। ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। यही ऑर्डर पेयर ही है, इट इज़ अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए से सेट बी की तरफ ये एक हमारा रिलेशन बता रहे हैं, ये जितने भी ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, तो अब हम इससे पहले किसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो इसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिलेशन है, जैसे 1.4 से, 1.6 से, 3.5 से, ये रिलेशन है। तो ए का सेट का रिलेशन है किसके बी के साथ, तो हम लिखते हैं इसको जैसे आर, तो ए एरो बी हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब दिस इज़ द रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी। ठीक,
तो अब अगर हम ये बोलें कि ये सारे रिलेशन हैं, ठीक है, इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि जो रिलेशन है वो क्या है, वो ए क्रॉस बी हुआ, तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में और रिलेशन में डिफरेंस क्या हुआ भैया? भी तो है, इसका मतलब तो दोनों ही सेम चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। फिर मान लीजिए हमने एक रिलेशन बोला है, वो है जैसे ऑर्डर पेयर आएंगे। अभी मैंने एक हल्का सा तो आपको बता दिया कि रिलेशन क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर आएंगे। सिंपल सी बात है, जब पेयर की बात आ रही है, जब रिलेशन की बात आ रही है, तो एटलीस्ट दो तो होने चाहिए, दो हैं तो वो पेयर बनेगा, तो वो ऑर्डर पेयर होगा। तो ऑर्डर पेयर में मान लीजिए अभी ये एक्स वाई हैं, सच दैट वाई ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। मान लीजिए ये आर वन रिलेशन है कुछ ऐसा है, तो अगर मैं इस आर वन रिलेशन को इस ए और बी से कनेक्ट करके आर वन बनाऊँ, तो मैं आर वन क्या बनाऊँगा, वाई बड़ा है किससे, एक्स से, तो क्या है इसमें 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5, ये देखिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये तो पक्का एक क्रॉस भी ही है, सेम हो सकता है, मना थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम ये देखते हैं क्या कुछ और भी इनमें रिलेशन हो सकता है। अब अगर मैं आर टू रिलेशन लूँ ए से बी का ही, और वो आर टू रिलेशन कैसा है, वो कुछ ऐसा है कि एक्स कोमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इससे तो हमें ये पता चला है ऑर्डर पेयर से कि किसका रिलेशन किससे है, सेट ए का बी से है। अब 1 का 4 से है, लेकिन वो रिलेशन है क्या? 1 4 का भाई है, 1 4 की बहन है, 1 4 का पापा है, 1 4 की मम्मी है, 1 4 फ्रेंड आपस में, हमें ये तो नहीं पता। हमें तो इससे जस्ट ये पता चला है कि रिलेशन है भाई। अब रिलेशन है क्या वो देखते हैं। अब जैसे मैं हमने एक्स कोमा वाई लिखा, सो दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, ठीक। अब ज़रा देखते हैं इसमें आर टू क्या क्या बनेगा। एक्स ए से हमने 1 रखा मान लो, ठीक है, 1 प्लस 3 वाई कितना आया, 4 आया, फिर 2 रखा 5 आया, फिर 3 रखा तो वाई कितना आया, 3 प्लस 3 6 आया। ये देखिए, ठीक है। अब आर टू थोड़ा अलग आर वन से, ऐसे ही आप मान लीजिए आर थ्री ले रहे हैं, एक ए का बी से रिलेशन है, और आर थ्री कुछ ऐसा है जैसे मैं लिख लूँ कि एक्स कोमा वाई, वाई इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने 2x लिख लिया, फोर ऑल एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक। अब आर थ्री क्या बना, अब आर थ्री बनेगा एक्स 1 लूँ तो वाई 2 आ गया। अब देखिए 1 2 तो यहाँ है नहीं, हमें वाई को क्या, एक्स को क्या लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो वाई कितना आएगा, 4। 1 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 जो वाई होगा वो बी से होना चाहिए, बी में 2 है ही नहीं, 2 4 हो गया। या फिर एक्स को अगर मैं 3 लूँ तो वो 6 आ गया, ये आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, ठीक। अगर ध्यान से देखिए ये आर वन आर टू आर थ्री है जो, ये तो चलो इत्तेफाक से सेम ही आ गया एक रोज भी, लेकिन आर टू आर थ्री तो सेम नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजिए, हैं तो ए क्रॉस बी में से ही, कोई भी रिलेशन हम बनाएंगे जैसे आर टू 1 4 यहाँ पे भी है, 2 5 यहाँ पे भी है, 3 6 यहाँ पे भी है, यहाँ देखिए 2 4 भी आ गया, यहाँ 3 6 भी आ गया। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कोशिश कर रहे हो, कुछ कोई लिंक बन रहा है?
ये आर वन आर टू आर थ्री हम कोई भी रिलेशन बनाए यहाँ पे, ये इस ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट। तो हम एक डेफिनेशन पे पहुँच गए हैं इससे, रिलेशन की जो एक डेफिनेशन है वो हमने यहाँ से पता की कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब जो भी ये ए और बी से जो रिलेशन आया ये क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ये जो दो लाइनें हैं, जो पिछला पेज था, मैंने इन्हीं दो चीज़ों को, इन दो लाइनों को समझाने के लिए आपको बताया, एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बताएंगे आपको कि जो ये फर्स्ट जो हमने अभी मैं दिखा देता हूँ, ये 1 4 1 5 1 6 ये लिखा है, तो यहाँ पे 1 2 आपने नोटिस किया होगा, मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए में से ही आएगा। ठीक है, सेकंड है जो वो बी में से आएगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं इन्हें भी कुछ हम पर्टिकुलर नेम देते हैं, सेकंड को भी कोई नेम देते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लें। ठीक है, और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट हो वो इससे प्रीवियस वीडियो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की वो जरूर देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिलेशन को हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।